तो हेलो गाइस, अभी मैं जा रही थी नहाने। उससे पहले मैं अपने स्किन की मसाज करूँगी। ये है थोड़ी सी हल्दी एंड इसमें मैं मिक्स करूँगी थोड़ा सा नारियल तेल, जो कि आपके स्किन के टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, स्किन के कलर को ब्राइट करता है। मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग आ गई है गर्मियों में। मुझे अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, गर्मी थोड़ी सी कम होती है, तो पूरा ये एरिया जो मेरा होता है वो ब्लैक हो जाता है। थोड़ा अभी थोड़ा सा ठीक है, बट बहुत ज़्यादा आई थिंक आपको थोड़ा बहुत दिख भी रहा होगा, बहुत ज़्यादा बेकार दिख रहा था। तो हल्दी और ये नारियल तेल से मिक्स करके आपको पूरा मसाज करना है नहाने से पहले। ये आपके स्किन की टैनिंग को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो अगर आपकी भी स्किन पे बहुत ज़्यादा टैनिंग आ रही हो और आप सोच रहे हो कि कैसे रिमूव करूँ, और ये जो घर के नुस्खे होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलानी होती हैं, तो अक्सर मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप ऐसे कर सकते हो। नारियल तेल ले लो, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिक्स करके, और बहुत जल्दी आपको टैनिंग रिमूव करनी हो तो इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर ऐड कर लीजिएगा। तो आप यूज देखोगे कि आपको 1 से 2 यूज में ही सारी टैनिंग रिमूव दिखेगी। तो मुझे यहीं पे ज़्यादातर हुआ है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से मसाज कर रही हूँ। ये मैंने खाने में जो यूज होती है वही हल्दी यूज कर ली है, और आपको कस्तूरी हल्दी मिल जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक ब्लैक सा हो गया पूरा, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो हल्दी को इस तरीके से नारियल तेल और हल्दी को मिक्स करके कॉफ़ी पाउडर थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद से आप इस तरीके से मसाज करोगे ना तो बहुत जल्दी आपकी जो टैनिंग है वो रिमूव हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको 5 मिनट तक इसको मसाज करना, कैसे करना वो देख लीजिए। और भी ज़्यादा फेयर, सिर्फ आपको टैनिंग की प्रॉब्लम नहीं है बट आप अपना कलर फेयर करना चाहते हो, पिंपल्स वगैरह हैं, तो इसकी जगह पे आप दूध ले लो, हल्दी मिक्स करके उसमें कॉफ़ी पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करके लगाओगे तो आपकी ऑयली स्किन के लिए बेस्ट रहेगा। उनकी टैनिंग तो रिमूव होगी ही होगी, साथ के साथ उनका जो टोन है, स्किन टोन, वो भी फेयर होगा। तो मुझे अभी टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है एंड बहुत ज़्यादा ब्लैक पैचेस दिख रहे हैं फेस पे, अनइवन स्किन दिख रही है, पिगमेंट वगैरह, तो उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ। तो आपके स्किन पे भी बहुत ज़्यादा पिगमेंट वगैरह है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो इसको मैं 5 मिनट तक ऐसे ही मसाज करूँगी। और फिर मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद जो रिजल्ट होगा वो मैं आप लोगों का शेयर करूँगी कि कितना मतलब कितने परसेंट तक मेरा जो टैनिंग है, पिगमेंट है, वो रिमूव हुआ है। पिगमेंट नहीं बोलेंगे इसको, ये टैनिंग ही है। टैनिंग जैसे जो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है तो वो पपड़ी का रूप ले लेता है और ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, जो कि धीरे धीरे रिमूव होता है। बहुत इजी है, सिर्फ हल्दी और नारियल का तेल, और कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। पाँच से 10 मिनट मसाज करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए चेहरे पे ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ पड़ गई जिसकी वजह से बहुत तेज़ धूप था और फेस पूरा मेरा जैसे जल सा गया है, तो उसके लिए ये सब बेस्ट रहेगा। धूप की वजह से जो स्किन में टैनिंग आती है, स्किन जला जला सा दिखता है, उसके लिए आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हल्दी और नारियल तेल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये टिप्स आप लोग ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितना हद तक आपको फ़ायदा किया, सूट किया। तो मिलते हैं नहाने के बाद से और फाइनल रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो गर्दन पे थोड़ा सा यहाँ पे भी टैनिंग आ जाती है अक्सर और गर्दन ब्लैक दिखने लगती है, तो उसके लिए भी आप ये ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने मसाज करने के बाद से 10 मिनट तक इसको फेस पे ऐसे ही लगे रहने दिया था, और जहाँ पे टैनिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ पे आप देख सकते हो हल्दी टैनिंग में फंस चुकी है, इतना ज़्यादा मुझे पपड़ी टाइप का हो गया था। तो देखते हैं ये कितने यूज में ख़त्म हो जाता है टैनिंग।
बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है फेस, और देखते हैं कब तक ये साफ़ हो जाता है। गारंटी तो है कि साफ़ हो जाएगा, बट एक यूज़ में होता है कि दो यूज़ में होता है, सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने फेस वॉश की जगह पे कुछ भी यूज़ नहीं किया, नॉर्मल पानी से फेस वॉश किया है और बिल्कुल नॉर्मल कैमरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो टैनिंग है वो 50% तक कम हुआ है। तो एक बार यूज़ करने पे ये 50% तक ही कम करेगा। इसको हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करोगे तो ये पूरा का पूरा ठीक कर देगा। तो मैंने सिर्फ पहली बार यूज़ किया और आप लोगों को रिजल्ट बता रही हूँ, एंड 2-3 बार यूज़ करने के बाद भी आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर करूँगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। एंड इससे काफ़ी अच्छा ग्लो भी ऐड होगा फेस में आपके, अगर आप इसको रेगुलर तौर पे यूज करते हो तो। फॉर ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग टिप्स है, तो ड्राई स्किन है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और ये फेस जो टिप्स है डार्क टैनिंग के लिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ज़्यादा से